साले चल आजा बीजेएमआई में 1v1 कर ले। चल यार आजा। हाँ यार तो वो रखे कोई तू तो आजा चल। मैं का तो वो रहेगा। चल मेरा रूम खुलने वाला उसके बाद। हाँ चल रूम खुल दे। देखते हैं गाइस एक वीडियो 1v1 रूम की आएगी मुकुल वर्सेस नेगी कमांडो। ये हेलो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। होप करूंगा गाइस आप सब लोग बढ़िया होंगे बढ़िया रहना। तो गाइस मैं गया था बैल खोलने में और गज्जी बिल्ली और देखो मेरा चप्पल टूट गया तो आ रहा हूँ बिना चप्पल के। और बैल यहाँ पर पानी पी रहे हैं घोड़ा भी और भाई घोड़े की हालत ऐसी हो रही है कतई खतरनाक चढ़ ही नहीं पा रहा। चल 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 चलो बेटा चलो 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 घास देंगे तुम्हें बात के। चल चप्पल देख रहे हो बिना चप्पल के चल रहा हूँ गधेरों में ये होती है भाई पहाड़ी लाइफ। चल राजू हट चल चल गाइस यहाँ पर दे दिया मैंने घोड़े को घास बात दिया इसे जंगल भेजते नहीं क्योंकि इसकी उतनी कुवत है नहीं जंगल जाने की तो इसलिए ये घर में रहता है। यहाँ पर भूख ला रहे बैलों को अर्दला भूख ने खिला दिया बैलों को अर्दला यहाँ पे आ जाओ के मुंह में लगा देखना ले 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 इसके मुंह में लगा देख जो लगा इसके मुंह में अर्दला इसके भी लगा भैया इधर 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 चल चल जंगल को चलो चलो जी अरे या बड़े ऐठ बैठन दिखाते सारे गाइस बैल चल नहीं रहे थे तो मैंने ये पत्ता तोड़ा। देखो मेरा पत्ता ये झाड़ी टाइप की होती है और इससे बताओ क्या कहते हैं कड़ी पत्ता होता है ये मतलब कड़ी में डालने के लिए ज़्यादा यूज़ होता है और ये बहुत महंगा बिकता है और हमारे वहाँ गांव में देखो। चलो 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 बैलों को मतलब हकाने के लिए फिर जंगल ले जाने के लिए मारने के लिए एक प्रकार से यूज़ कह सकते हो यूज़ किया जाता है कड़ी पत्ता और लोग इसे इतनी महत्व देते हैं यहाँ कोई मतलब नहीं भाई कड़ी पत्ते की कोई नहीं है। जो चीज़ इतनी महंगी बिकती है और वो देख रहे हो ऐसे यूज़ करते हैं पहाड़ों में मतलब लोग इतने अनजान है इस चीज़ों से और जब जो बंदा बाहर रहता है उसे पता है कि कितनी महंगी चीज़ है भाई मतलब महंगी क्या है कितनी काम की चीज़ है महंगी तो नहीं कह सकते उतनी ज़्यादा पर भाई काम की चीज़ है जो भी है कड़ी पत्ता। तो गाइस पहाड़ों में ऐसी औषधियाँ बहुत मिलती है ठीक है। देखो अभी मेरे को ये औषधियाँ ही हुई प्रकार से मतलब अच्छी हुई प्योर ऑर्गेनिक क्योंकि जंगल में भाई कौन यूज़ करेगा यार रासायनिक का। तो ये एक ही रही मैं ये झाड़ी दिख रहा ना हरा हरा क्योंकि ये तिमूर है भाई जो दांत साफ करने के लिए ज़्यादा यूज करते थे पहले लोग तिमूर इसकी मतलब इतनी सारी जड़ी बूटियाँ मतलब ये बहुत औषधियाँ एक प्रकार से कह सकते हो पहाड़ों में मुझे ज़्यादा पता भी नहीं है जो जो दिखती है मैं वही बता रहा हूँ मतलब जो अभी मेरे को यहाँ आसपास दिख रही है। और जैसे कि ये देखो ये किलमाड़ू का पता नहीं क्या झाड़ सा है ये भी बहुत यूज़ होता है मतलब पहाड़ों में ऐसी बहुत सारी औषधियाँ यूज़ होती हैं मतलब जो मिल जाती है आसानी से पर मेरे को पता नहीं घर वालों को बहुत सारी पता है जानकारी है अभी मुझे उतना पता नहीं है तो इसलिए हम अनजान हैं इन सब चीज़ों में। तो जो गाइस चप्पल टूट गया देखो ऐसे रास्तों में भी बिना चप्पल के कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई तो हम जैसे लोगों को मतलब हम लोगों के लिए ये सब चीज़ ईजी है ठीक है बिना चप्पल के चलना पहाड़ों पर जंगलों में झाड़ियों में ईजी है भाई अगर चुप भी जाए तो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। गाइस भूगू बो रहे अभी यहाँ पर बीज पाने जिले में तो वैसे भी आया था मैं नौले तो नौले दो ड्रम पानी भरने आया था तो पहले ठीक से लगाते ठीक है। तो वैसे नौले पानी तो गाइस बुबू बो रहे हैं शिमला मिर्च और जो सलादी मिर्च तो गाइस बुबू बो रहे हैं शिमला मिर्च और सलादी मिर्च अचारी मिर्च मतलब का बीज बो रहे हैं। तो पहले बीज बोते हैं फिर उसके बाद पौधे होते हैं तो फिर खेतों में लगाते हैं। तो अभी तो एक फसल तैयार नहीं हुई फिर दो महीना बीज तैयार होने में लगता है तो फिर पहले से बो देते हैं तो मतलब टाइम लगता है फिर खेत रेडी जाएंगे तो फिर उसके बाद सीधे पौधे लगा देंगे फिर फसल जाएगी मार्केट। तो अभी मैं भर रहा हूँ यहाँ से पानी मस्त एकदम तो दो ड्रम बूबू बोले भर के जा मुझे कहीं जाना है काम से तो बूबू वाले पहले पानी भर के चल जा और मैं बीज बो दूंगा कह रही वैसे ही बूबू बोते हैं क्योंकि हमें पता होता नहीं कि कैसे बोते क्या बोते थोड़ा बीज कितना गहरा डालना चाहिए कितना नहीं तो वो बूबरों का एक्सपीरियंस है तो वही बोते हैं और हम लगाते हैं। तो गाइस बुबू यहाँ पर बो रहे अभी बीज देखो कितनी बारीकी से बोने में लगे हैं एकदम बारीकी से ध्यान मतलब ध्यान पूरा उनका बोने में ही है अभी मतलब बीज एकदम बराबर उग। तो गाइस अभी हमने मैंने पानी भर के रख दिया डो ड्रम यहाँ पर और यहाँ बीज सुखाने के लिए रखा है जो कि अभी वो फिर बोएंगे
दूसरी जगह पे। अब यहाँ पर देखो कैसे बीचों गहरे मतलब डाले मिट्टी के नीचे, एक एक अंगुली से मतलब कितना गहरा जाना चाहिए, और पत्थर भी उठा रहे हो क्योंकि पौधा बहुत छोटा उगेगा तो पत्थर ही मिट्टी में, मिट्टी होनी मिट्टी मतलब पूरी मिट्टी में उगेगा सॉरी, तो कितने ध्यान मग्न हो गए मतलब एक 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 अंगुली से गहराई गहरा मतलब मिट्टी जमीन के नीचे डाल ले उसे। और यहाँ पर गाइस देखो पेड़ों में एकदम अच्छे से फूल आ गया है, आड़ू के पेड़ों में जो कि पहले बहुत कम आया था। तो गाइस तुम्हारा भाई एकदम ऑल सेट, नहा के नहीं मुँह हाथ धो के रेडी हो गया। तो बुबू वहाँ पर बिजी बोल रहे थे, मेरा ज़्यादा काम था नहीं, मैंने पानी भर के रख दिया, बस अभी जाना है मुझे थोड़ा सोलबाड़ी तक। मेरा कुछ काम नहीं, वैसे भाई के दोस्त का काम है, नफ्फू का, नफ्फू 125, ठीक है, तो नफ्फू 125 का काम है, तो उसका काम हम निपटाते हैं सोलबाड़ी से पशु अस्पताल में। उसकी डॉग को पता नहीं कुछ हो रहा कह रहा था, तो उसका काम निपटाते हैं, उसके बाद फटाक से घूमते फिरते आते हैं घर को। तो गाइस ये रहा देख रहा पप्पी, गाइस देख रहा हूँ डॉग कैसे जा रहा बाइक में बैठ के, आज ये भी कह रहा होगा भाई मस्त पहाड़ों का नजारा लेते हुए व्यू। गाइस ये रहा सियालबाड़ी पशु चिकित्सालय जो आ रहा है। तो गाइस इसे दिखा के ला गए, उसकी पिछवाड़ में लगी एक इंजेक्शन, ठीक हो जाएगा कह रहे थे। गाइस ये दोनों स्कूल से आके पबजी खेलने में, देखो एक ने वहाँ चार्ज लगा रखा है, एक ने वहाँ चार्ज लगा रखा है, पबजी खेलने है, क्रिकेट खेलने भी नहीं आया आज ये। नहीं नहीं लॉन्चर लॉन्चर क्या कर, क्या कर लिया तुमने पबजी खेल के, मार दिया मार दिया, वो मार दिया वो मार दिया मार दिया मार दिया वो मार दिया। उधर डिस्टर्ब नहीं, उधर डिस्टर्ब नहीं, दिन भर पबजी खेलने रहते गाइस ये दोगे तो। देख रहा हूँ खेलना आता नहीं, बोटा का कह रहे पबजी लाइट में हैकर आ रहे, हैकर आ रहे कुछ भी मतलब मतलब कोई बहाना बनाना तो अच्छा बहाना बनाओ भाई, पबजी लाइट में हैकर आ रहे बोल रहे यार, ये कोई कहने वाली बात है? बीजीएमआई में बोल देते पबजी लाइट में हैकर आ रहे हैं, मगर पबजी लाइट में बिक्की हैकर क्या होते हैं, मोबाइल लाइट में हैकर आ रहे, पबजी मोबाइल लाइट में हैकर आ रहे। हाँ तुमने ये कहना चाहिए ना पबजी मोबाइल लाइट एकदम अब गेम नहीं रहा, मैं भी मैंने भी वो पहले खेलता था, अब छोड़ के मैं आ गया हूँ किसमें, मगर बीजीएमआई में भी खेलता हूँ मैं कभी कभी। चलो भैया जल्दी करो अभी बहुत टाइम है बाहर, फिर उसके बाद मेरा एक्सरसाइज का टाइम हो रहा। तो गाइस आज थोड़ा जल्दी आ गए थे क्रिकेट खेल के, तो अभी तो ये भी आते क्रिकेट खेलने, तो आज ये आए नहीं क्रिकेट खेलने, तो उस वजह से अभी घर में ही है, पबजी वबजी खेल रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं, बोले मिशन है मिशन, फिर उसके बाद एग्जाम होने वाले बोल रहे, फिर पता नहीं क्या करने वाले, दो के दो लगे पड़े यहाँ पर गेम खेलने में। और मुकुल की मम्मी मुकुल को आवाज़ दे रही है, पता नहीं मुकुल 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 मम्मी आवाज़ दे रही, चलो जाओ मतलब तुम मेरा चाचा लगे करके रिश्ते में कुछ भी मतलब। गाइस ये देखो छोटा सा इतना सा पिल्ला, ये मेरा चाचा लगता है, चल कोई नहीं हम चाचा की लाज रखते हैं, चाचा की लाज रख देते हैं हम, चल जल्दी करो। ये देखो गाइस मेरी गाड़ी हीट रही है, चल रही है, अरे नारे हुए ये बता ये जगह कौन सी है बता दे मुगल, जगह वहां मैप में देखी नहीं, जगह का नाम ही नहीं है भाई, पीछे कौन सी जगह थी, सिंगल डेल्टा थी, सिंगल डेल्टा थी भाई, तेरे भाई को चप्पा चप्पा बता है भाई, आज से खेलता हूँ पबजी में, अभी तो हमें सिखा का 2 साल पबजी खेला है, उसके बाद वो तो अच्छा हुआ मेरा मोबाइल टूट गया, 6 साल खेला है मेरा मोबाइल टूट गया है, वो तो अच्छा हुआ, जब मैं 6 साल खेला तब से खेल रहा हूँ, कुछ भी नहीं था, 14 साल हो गए। हाँ तो वो बात अलग है, तेरे को खेलना नहीं आता, वो बात अलग से खेलना नहीं आता, ये तब भी थोड़ा अच्छा खेल लेता है मुकुल, मुकुल मुकुल की मस्ती नहीं है, ये जोन में काम कर रहे हैं साले, चल आ बीजीएमआई में 1v1 कर ले, चल यार आ जा, आ यार तो बोल रहे कोई तो आ जा, चल मेरा रूम खुलने वाला उसके बाद, हाँ चल रूम खुल जा, देखते हैं गाइस एक वीडियो 1v1 रूम की आएगी, मुकुल वर्सेस नेगी कमांडो, ये कमांडो के साथ मारूंगा, कैसे मार देगा मतलब, मारूंगा नहीं मार बहुत तेज लगी, मार डालूंगा बोल, हाँ मार टोरा गाइस टोरा, बड़ा होने बड़ा होने बड़ा होने का यही फायदा है, थोड़ा दादागिरी चलती है।